हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा लाइव आने में मेरे को टाइम लग गया, लेट हो गया स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर। ये चैप्टर कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर। ये चैप्टर कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चैप्टर है, इसके पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था, इस चैप्टर में हमने बताया था बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग हमने बात की थी। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हम किस तरह से बेनिफिट गेन कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के यदि बेनिफिट्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाए, तो बायोटेक्नोलॉजी के कई ढेर सारी फील्ड में इसके यूज हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बायो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका यूज है। अब बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि देखिए फार्मास्यूटिकल्स में हम देखते हैं प्लांट से, एनिमल से, केमिकल कंपाउंड से मेडिसिन तैयार की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो मेडिसिन तैयार होगी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल का यूज करके जो मेडिसिन तैयार की जाएगी, तो बताइए वहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा जो इसका यूज है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? इसका थेरेप्यूटिक यूज। अब ये थेरेप्यूटिक यूज क्या होता है स्टूडेंट, मैं थोड़ा बताऊँ इसके बारे में, कि कई बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। जैसे कोई जीन खराब है तो उसको सही करना, ठीक है, कई तरह की बीमारियों का डायग्नोसिस करना। जैसे आजकल कोरोना बहुत ज्यादा रनिंग में है, तो कोरोना का जो डायग्नोसिस होता है, जो आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट हम फाइंड आउट करते हैं, वो जो है बायोटेक्नोलॉजी की मेथड से ही करते हैं, पीसीआर के थ्रू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। हाँ, तो डायग्नोसिस मैंने डिस्कस कर लिया, डायग्नोसिस में इसका यूज करना। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, इनके अंदर जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। उसके बाद प्रोसेस फूड, फूड की जो प्रोसेसिंग होती है, कई तरह का हमारे पास डिब्बा बंद प्रोसेस फूड आता है, इसकी जो तैयारी की जाती है, इसको जो तैयार किया जाता है, वो भी बेटा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम कई तरह के मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉल्यूशन को बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन फॉलो करते हुए कम करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बायो रिमेडिएशन के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, जो भी हमारा वेस्टेज क्रिएट हो रहा है पॉल्यूशन के थ्रू, उसको कैसे कंट्रोल करने का। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को तैयार करने में किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई, जैसे हमारे पास पेट्रोल के, डीजल के जो सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस कैसे हैं, एक लाइफ टाइम नहीं चलने वाले, ये कुछ समय के बाद हमारा ये जो फॉसिल फ्यूल है ये खत्म हो जाएगा, हमको कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ेगा। तो आजकल आप जानते हो ना, बायोडीजल आता है। मतलब कि बायोडीजल क्या होता है, कि एक प्लांट होता है जेट्रोफा करके, हिंदी में उसको बोलते हैं रतन जोत, उसके सीड से जो है जो ऑयल निकलता है, उस ऑयल को जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बेटा हम डीजल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया, ओके, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे कि थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब मतलब आजकल बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, इस बात को हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है,
वो किसके ऊपर हो रही है जरा देखिए। हमें एक बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए। बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इन फॉर्म ऑफ द बहुत अच्छे टाइप के माइक्रोब्स हो जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, या बहुत ही अच्छे टाइप के हमारे पास एंजाइम हो। देखो बेटा, एंजाइम की क्वालिटी जो होती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एंजाइम चाहिए या बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हमें कैटलिस्ट चाहिए। तो ये बेस्ट क्वालिटी के एंजाइम और कैटलिस्ट कहाँ से आए, तो इनको तैयार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ढेर सारी रिसर्च चल रही है। दूसरा जो मेन जो रिसर्च एरिया है बेटा, वो है कि ऑप्टिमम कंडीशंस। अब देखो, हम बायो रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं, इन रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो भी रिएक्शन होती हैं इनको हम कहाँ कंडक्ट कराते हैं, बायो रिएक्टर के अंदर। अब बायो रिएक्टर में ऐसी कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करके चले जिससे कि हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तीसरा जो रिसर्च चल रहा है वो चल रहा है बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के बारे में। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके पहले वाले चैप्टर में हम डिस्कस किया था कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना। जैसे कल्चर मीडियम में मान लीजिए हमने इंसुलिन फाइंड आउट किया, अब इस इंसुलिन को प्यूरिफाई करने की जो भी मेथड्स होंगी, इसको पैकेजिंग करने की जो भी मेथड आएंगे, वो सब किस में आएंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के सबसे पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, एग्रीकल्चर को हम देखते हैं। हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। अच्छा बेटा, देखिए बेटा, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वर्ल्ड लेवल पर और इंडियन लेवल पर जो है एक प्रोजेक्ट आया था, जिसे बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की जब ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है। उस फूड प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली जो है वीट की क्रॉप से कंसर्न है। किससे कंसर्न है, मेनली वीट की क्रॉप से कंसर्न है स्टूडेंट ये, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है हमने इम्प्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप के ऊपर जो है जोर दिया। यहाँ पर हमने ठीक है, दूसरा दूसरा हमने यहां पे किसके ऊपर जोर दिया, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर जोर दिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट बेसिकली हमने इन दो फैक्ट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया था। पहला तो अच्छी वैरायटी यूज करना ताकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, उसके साथ हमने एग्रोकेमिकल्स के यूज के ऊपर काफी जोर दिया। बहुत ही अच्छी टाइप के फर्टिलाइजर डालना, बहुत ही अच्छे टाइप के इंसेक्टिसाइड डालना, बहुत अच्छी टाइप के पेस्टिसाइड डालना, ताकि हम अपने एग्रीकल्चरल लॉस को कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ साथ, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर के साथ साथ हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर दिया, जिसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, ये जो एग्रीकल्चर था, ये जो क्रॉप था, तो ये कैसा था पूरा का पूरा बेटा, एक तरह से देखा जाए तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू जो हमने जोर किसके ऊपर दिया, बेसिकली एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर बेटा जोर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बेटा हमने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया। अब इन केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ से क्या हुआ, हमारा सॉइल का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया, हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी खराब हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने पेस्टिसाइड का यूज़ किया तो उससे क्या नुकसान हुआ,
कि हमारे जो नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारे जो नेचुरल जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो भी खत्म हो गए। तो इससे हमें फायदा तो कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। किससे? ये एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? केमिकल, हाँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसके बारे में बताता हूँ आपको। हाँ जी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है जरा देखिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बेटा हम क्या करते हैं, ना तो फर्टिलाइजर का यूज, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का कोई यूज नहीं करते हम, किसी तरह के कोई भी जो है केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते पूरी तरह से। बेटा हम क्या करते हैं कि जो भी कुछ नेचुरल हमें फाइंड आउट है बस उसी का यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, एज ए पेस्टिसाइड। मतलब हमको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है आपको फर्टिलाइजर भी यूज करना है, तो कौन सा होगा बेटा? वो हमारा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर होगा, मैन्यूर होगा, ठीक है। अब उसके बाद पेस्टिसाइड यूज करना, तो हम कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, हम नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कई ढेर सारे हमारे माइक्रोब्स आते हैं जिन्हें हम यूज ऑफ एज ए फर्टिलाइजर यूज सॉरी सॉरी एज ए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, या इसके अलावा कई ढेर सारे प्लांट्स के जो है जूस हैं जैसे नीम का जूस, इसका यूज हम एज ए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। आपने जो है इकोलॉजी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा में एक रमेश चंद डोगरा करके एक शेतकारी थे, उन्होंने इस ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। तीसरे टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है यहाँ पर बेटा, देखो समझ दो एक बात, मेरी ध्यान सुनिए। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से फायदा कम हो रहा था, नुकसान ज्यादा हो रहा था, और प्रोडक्शन भी जितना हम चाह रहे थे उतना नहीं हो पा रहा था। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो आज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की कमी को पूरा कर सके। फिर हमें मजबूरन किसके ऊपर आना पड़ा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर आना पड़ा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज का यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, जो हम वेराइटी कल्टिवेट कर रहे हैं उसमें हमने थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हम जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर चाह रहे हैं प्लांट से वो हमें बड़ी इजीली मिल जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। भाई हम जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का यूज कर रहे हैं इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहला हमको जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि जरा देखिए, हमारी क्रॉप ऐसी होगी जिसके अंदर की टॉलरेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, या उसके अंदर जो है काय के लिए टॉलरेंसी ज्यादा होगी, अबायोटिक स्ट्रेस को सहन करने की। अब अबायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या आता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो गई, बहुत ज्यादा सूखा हो गया, दुष्काल हो गया, या बहुत ज्यादा सॉल्ट है किसी सॉइल पे, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में भी हम क्या देखते हैं, बहुत अच्छी क्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेटा बेनिफिट क्या है यहाँ पर कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप हम तैयार कर सकते हैं। देखो बेटा, शेतकरी का सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो पेस्टिसाइड के यूज में होता है, ठीक है। यदि हम बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करेंगे, जीएमओ वैरायटी यूज करेंगे, तो हमारा जो खर्चा पेस्टिसाइड के ऊपर होना है उसे हम काफी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कई बार क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए क्रॉप हमारी खेत से आ गई घर पर, फिर उसके बाद उसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है, जैसे कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, ज्यादा इंसेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, जो उस क्रॉप को नुकसान कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करना है। तो हमने जो वैरायटी यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए वो वैरायटी ऐसी हैं जिनमें कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, हाँ जी, तीसरा जो है बेटा, ये जो जीएमओ वैरायटी होती हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिवली मिनरल्स का यूज करती हैं। जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि नॉर्मल यदि हम कोई वैरायटी ग्रो कर रहे हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड में, किसी मिनरल की कमी है तो उसके सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम हमें प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं,
ठीक है। अब ये क्रॉप इतनी बेशरम होती हैं कि कोई भी सब्सटेंस काफी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है सॉइल में तो भी बेटा ये क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। मतलब जो सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी है हमारे जीएमओ वैरायटी में आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत बेशरम है ये, बड़ी आसानी से काफी कम कंसंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस है तो उसे भी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या दिखाई देता है, हम जीएमओ वैरायटी के अंदर जो है जो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन कैसे, हमने जैसे राइस, अब आजकल देखिए गोल्डन राइस करके एक राइस की वैरायटी आती है। अब इस गोल्डन राइस में क्या होता है, स्टार्च कम होता है पर विटामिन ए ज्यादा होता है। विटामिन ए किस फॉर्म में होता है बेटा, यहाँ पर रेटिनॉल के फॉर्म में होता है, सॉरी कैरेटिन के फॉर्म में होता है। कैरेटिन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए ये जो राइस होते हैं ये किस कलर के दिखाई देते हैं, गोल्डन येलो कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब ये नॉर्मल राइस में विटामिन ए नहीं है, जबकि इन गोल्डन राइस के अंदर क्या है, विटामिन ए है। हमने क्या किया, बायो फोर्टिफिकेशन से उसमें विटामिन ए इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। तो ये फायदा हो गया ना। अब इसके बाद ये जो प्लांट होते हैं जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं, वो एक तरह के जो है टेलर मेड प्लांट एक तरह से होते हैं। टेलर मेड प्लांट मतलब कैसे प्लांट, जरा समझिए बेटा। ये प्लांट जो है, जो प्रोडक्ट हम किसी फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहे हैं, जो बायो प्रोडक्ट, जैसे कि हीपेरिन, सॉरी हीपेरिन नहीं, हीरोडीन, जो भी कहाँ होता है, अर्थवर्म में होता है बेटा। अब इसको तैयार करने के लिए जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री कई जगह पहले से इस्टेब्लिश है, बहुत खर्चा आता है इसको तैयार करने में केमिकली। हमने क्या किया कि अर्थवर्म से, सॉरी 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 लीज से हमने क्या किया, हीरोडीन बनाने वाले जीन को निकाला और उसको हमने क्या किया कि एक प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो प्लांट की प्रोडक्ट जो होंगे, जो उसके सीड होंगे, उससे हमको क्या मिलेगा, हीरोडीन मिलेगा। तो बेटा इस तरह के प्लांट जिनको हमने ऐसे मॉडिफाइड किया है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारा वांटेड सब्सटेंस, जो हमको अलग, जो हम किसी दूसरे सोर्स से फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको हम प्लांट से फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइप का जीन इंट्रोड्यूस करा के। तो इस तरह के प्लांट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, टेलर मेड प्लांट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हीरोडीन जो होता है, हाँ लीच में होता है, टंग स्लिप हो गई तो मेरे अर्थवर्म निकला गया मुंह में से, नो एन इशू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया ना बेटा ये, ठीक है। इसके अलावा जो है तो टेलर मेड प्लांट, तो टेलर मेड प्लांट क्या होते हैं बेटा, यू नो डैट कि इट्स अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ द इंडस्ट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेलर मेड प्लांट जो है वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को बेटा हम इन टेलर मेड प्लांट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। कई अलग अलग टाइप के स्टार्च को, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूल को और फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। बट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होते हैं जरा देखिए, पेस्ट जो रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं बेटा वो एक तरह से बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। मतलब इनमें कोई पेस्ट आया तो पेस्ट को छोड़ने वाले नहीं हो, पेस्ट को ही निपटा देंगे। पेस्ट किसको बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा जो हमारी क्रॉप को लॉस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना पूजा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा देखिए, यदि हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी पेस्टिसाइड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक तो हाँ पटेटो टमेटो, बीटी टोमेटो बीटी पटेटो, याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एक तो टोमेटो पोटैटो, यह तो याद रखनी रखना है, टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। दूसरा सोयाबीन और राइस, ये बीटी वैरायटी है,
मार्केट में आती है इसकी। और इसके अलावा क्या आता है, बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न, ठीक, ये हमारी बीटी वैरायटी है। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा बीटी कॉटन के ऊपर। हाँ, बीटी कॉटन क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, जरा इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को समझिए। देखो बेटा, आप ये तो जानते ही होंगे कि हम जब भी कॉटन की क्रॉप को ग्रो करते हैं तो शेतकरी का काफी ढेर सारा पैसा लगता है इंसेक्टिसाइड को के ऊपर, क्योंकि कॉटन की क्रॉप में कई बार यदि इंसेक्ट का अटैक होता है, और स्पेशली उस समय जब फ्लावरिंग हो रहा है, तो बेटा क्या करते हैं इंसेक्ट, क्या करते हैं कि फ्लावर के अंदर चले जाते हैं, फ्लावर और फ्रूट को बेटा वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप नहीं आ पाती। एक तो कॉटन क्रॉप काफ़ी लंबा समय ले रही है, कम से कम उसको तैयार होने में जो है 3-4 महीने लगते हैं, फिर नेक्स्ट 3-4 महीने तक उससे फाइंड आउट, हम क्रॉप फाइंड आउट करते रहते हैं। अभी कॉटन निकाल लिया, फिर 15-20 दिनों फिर दोबारा से कॉटन निकाला, फिर दोबारा से कॉटन निकाला, ऐसे निकालते रहते कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड का खर्चा शेतकड़ी को बहुत आता है बेटा, ठीक है। अब पुराने जमाने से ही लोगों को पता था कि एक सॉयल बैक्टेरियम होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेसिलस थ्यूरिंजियेंसिस, और ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि जो इंसेक्ट इंसेक्ट होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देता। ये लोगों को पहले से जानकारी थी। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि इस बैक्टीरिया को का सॉल्यूशन बनाते थे, और इस सॉल्यूशन को जो है प्लांट के ऊपर जो है स्प्रे किया करते थे एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। फिर बाद में जब बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई इसमें ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से बेटा ये हमारे जो क्रॉप के जो इंसेक्ट हैं उनको ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में जब पता चला कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जरा समझिए, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर देखिए क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक स्पेशल टाइप का जीन होता है, ठीक है। साइंटिस्टों ने क्या फाइंड आउट किया कि भाई इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन है। अब इस जीन का नाम क्या है, जरा समझिए, इस जीन का नाम है बीटी जीन। बेसिलस थ्यूरिंजियेंसिस बैक्टीरिया का नाम है, इसलिए इस जीन का नाम क्या बोला बेटा अपन ने, बीटी जीन, सॉरी 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 क्राय जीन। इस जीन का नाम क्या है बेटा, क्राय जीन, बराबर। अब ये क्राय जीन जो क्या करता है, जरा समझिए, क्राय जीन क्या करता है बेटा, एक क्रायोजीन जो है एक प्रोटीन कॉस क्रिएट करता है, एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्रिएट करता है। इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, क्राय प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्राय प्रोटीन क्या होगा, जरा समझिए, ये एक्चुअली एक तरह का प्रोटॉक्सिन होता है। ये क्या तरह होता है बेटा, ये एक तरह का प्रोटॉक्सिन होता है, कौन, बीटी प्रोटीन। अब बीटी प्रोटीन किस तरह से काम करता है, जरा इसकी वर्किंग सिस्टम को समझिए बेटा, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटॉक्सिन है, और क्या होता है बेटा, जब भी कोई इंसेक्ट इन बीटी प्रोटॉक्सिन के क्रिस्टल्स को खाता है, एक्चुअली ये भी टॉक्सिन नहीं है, तो जैसे ही ये बीटी प्रोटीन के क्रिस्टल हमारे इंसेक्ट की बॉडी के अंदर गए, तो बॉडी के अंदर जाते बराबर हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा इंसेक्ट है ये, ठीक है, ये इसका माउथ है और ये इसका एनस, ओके। अब इसने जैसे ही बीटी प्रोटीन को बीटी प्रो, सॉरी सॉरी क्राय प्रोटीन को खाया, तो ये क्राय प्रोटीन एक तरह का क्या है बेटा, ये प्रोटॉक्सिन है, ठीक है। जैसे ये प्रोटीन इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, कौन, बीटी प्रोटीन, ये क्या है, एक तरह का प्रोटॉक्सिन। जैसे ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, और इसकी बॉडी के अंदर कहाँ पहुंचेगा, इंटेस्टाइन के अंदर, इंसेक्ट की इंसेक्टाइन में भी क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, और एल्कलाइन पीएच की वजह से
ये जो प्रोटीन है हमारा, कौन सा, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन, ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इंटेस्टाइन में जाके बेटा ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो गया एक सॉल्युबल टॉक्सिन प्रोटीन के अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट की मिडगट की वॉल से बाइंड आउट बाइंड हो जाएगा, और इंसेक्ट की मिडगट में छोटे 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 क्या करेगा बेटा, ये पोर प्रोड्यूस कर देगा। अब जब इंसेक्ट की मिडगट की एपिथीलियम में पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि इंसेक्ट का जो एलिमेंट्री कैनाल है या उसका जो बॉडी है वो स्वेलिंग करना चालू कर देगा, और ऐसे उसकी मौत हो जाएगी इंसेक्ट की। तो बेटा इस तरह से क्या होता है, इंसेक्ट मर जाता है, खत्म हो जाता है। सामने डायग्राम में वही रिप्रेजेंट किया है, जरा देखिए, ये बीटी प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, डायग्राम को देखते जाओ। उसको किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट के एल्कलाइन मीडियम की वजह से क्या हो गया, ये एक्टिव प्रोटीन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये टॉक्सिन कहाँ जा रहा है, एलिमेंट कैनाल में जो है छोटी छोटी छेद प्रोड्यूस कर रहा है मिडगट में, जिससे क्या हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है और एनिमल हमारा मर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्या करता है, काम करता है बीटी। समझ में आ गया बेटा आपको, बेसिलर थ्रेजेनेसिस की वर्किंग क्लियर हो गई, समझ में आ गई, हाँ जी। अब ये हमारा बेसिलस थ्योरेंजेनेसिस जो होता है ये कौन कौन से लोगों के ऊपर काम करता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि किस किस के ऊपर एक वर्क करता है, ये थोड़ा सा याद नहीं रहता होगा आपको, आई नो वे, ठीक है। ये कौन कौन से बेटा, ये हमारे इंसेक्ट के कुछ ग्रुप्स के ऊपर काम करता है। किसके कुछ ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहा है बेटा, ये हमारे इंसेक्ट के, देखिए इंसेक्ट के कुछ ग्रुप के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारा जो क्लास इंसेक्टा है इसके कुछ ऑर्डर हैं, उनके ऊपर बेटा ये काम करता है। कौन कौन से ऑर्डर है बेटा इसके, तो जो क्लास इंसेक्टा के कुछ ऑर्डर हैं, ठीक है। अब ऑर्डर कौन कौन से हैं इसके, पहला ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरन्स, दूसरा ऑर्डर जिसके ऊपर बेटा ये वर्क करता है वो ऑर्डर कौन सा है, वो ऑर्डर है हमारा कोलियोप्टेरन्स, और तीसरा जो ऑर्डर है जिसके ऊपर ये काम करता है बेटा वो है हमारा, एक तो लेपिडोप्टेरन्स हो गया, कोलियोप्टेरन्स हो गया, और डिप्टेरन्स। ठीक है, तो बेटा ये तीन ऑर्डर हैं इंसेक्ट के जिनके ऊपर बेटा ये बीटी जो बैक्टीरिया है, बेसिलस थुरिजेनेसिस बैक्टीरिया का जो जीन है, क्रायोजीन है, वो वर्क करता है, ठीक है। अब लेपिडोप्टेरन्स के अंदर कौन कौन आता है, देखिए लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं बेटा हमारे, इसमें वर्म वर्म आते हैं बस, कौन कौन से वर्म आते हैं, एक आता है बेटा इसमें टोबैको, टोबैको, देखो मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टोबैको yes। हाँ, तो एक तो इसमें आता है टोबैको वुडवर्म, ये एक्चुअली क्या होता है, टोबैको का जो फ्लावर बनता है ना उस समय ही अटैक करता है, तो उसके ऊपर वर्क करता है। और दूसरा कौन सा है, आर्मी वर्म, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा ना आपको लेपिडोप्टेरन्स, कि लेपिडोप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, वर्म वर्म आ रहे हैं खाली। कौन कौन से वर्म आ रहे हैं, एक तो टोबैको बुड वर्म आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है बेटा यहाँ पर, आर्मी वर्म आ रहा है, ठीक है। तो इंसेक्ट के तीन ऑर्डर आपको रट्टे से मारना है, बहुत अच्छा पूजा, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, ठीक है। तो ये तीन टेरन्स हो गए हमारे, कौन कौन से, लेपिडो, कोलियो और डिप्टेरन्स, ठीक है, याद हो जाएगा, हाँ जी। अब बात करते हैं कॉलियोप्टेरा, तो कॉलियोप्टेरा के अंदर कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं बेटा बीटल्स, ठीक है।
जितने बीटल्स जमीन में, जो बीटल्स होते हैं आपने देखा होगा जमीन में जब गड्ढा करते हैं तो काले काले छोटी इंसेक्ट निकलते हैं, इनको बीटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बीटल्स के ऊपर काम करता है ये। बीटल क्या करते हैं, हमारे प्लांट की जड़ों को खाते हैं, उनको नुकसान करते हैं, तो बीटल्स के ऊपर काम करेगा ये। रूट्स पे नहीं, बीटल कई तरह से प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं बेटा, तो उनके ऊपर काम करता है। अब डिप्टेरेंस, अब डिप्टेरेंस की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे अधिकतर फ्लाइज और हमारे मॉस्किटो। ठीक है, तो ये इनके ऊपर बेटा ये काम करता है। ठीक है, तो बीटी एक्चुअली क्या है, एक सोयल बैक्टीरियम है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। ये सभी के लिए टॉक्सिन नहीं है, ये किस किस के लिए टॉक्सिन है, लेपिडोप्टेरस, कोलियोप्टेरस और डिप्टेरस के कुछ मेंबर्स के लिए। कौन कौन से मेंबर्स के लिए बेटा ये टॉक्सिन का काम करता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया, आई थिंक डेट आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए ये कहाँ कहाँ काम करता है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा आपको, कैसे काम करता है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रायजीन कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे काम करता है, मैं थोड़ा इसके रिगार्डिंग आपको समझाने वाला हूँ कुछ बेटा। ठीक है, तो जीन जो है वो है क्राय, स्मॉल में आएंगे सभी, क्रायजीन, ये हो गया जीन। और ये जो प्रोटीन बना रहा है इसका सी आएगा कैपिटल, क्राय प्रोटीन। ये स्टूडेंट प्रोटीन जो तैयार कर रहा है, इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, क्राय प्रोटीन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्रायजीन जो होते हैं बेटा ये एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से अपना वर्क करते हैं। ठीक है, क्रायजीन की बात करें तो बेटा क्रायजीन के जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप, कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट, पहला बेटा कौन सा, क्राई फर्स्ट एसी। ठीक है, एक तो क्राई फर्स्ट एसी और दूसरा स्टूडेंट क्राई सेकंड एबी। तो क्राई सेकंड फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। ठीक है, इनका यूज किसके लिए किया जाता है बेटा, कॉटन के लिए, मतलब बीटी कॉटन तैयार करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना बेटा, ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन में स्पेशली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बेटा, बॉल वर्म का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको बेटा ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी कौन सी बेटा इसकी, क्राई फर्स्ट ए बी। हाँ जी, ये वैरायटी जो होती है, ये जो वैरायटी होती है ना बेटा, इस वैरायटी का यूज किया जाता है काहे के लिए, कॉर्न के लिए। और कॉर्न में जो बीमारी कॉज होती है, कौन सी बीमारी कॉज होती है कॉर्न में, कॉर्न बोरर जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो जरा देखिए क्रायजीन, देखो बेटा इसके दो मेजर टाइप है, एक तो क्राई फर्स्ट एसी जीन और क्राई सेकंड एबी जीन। ये जो क्राय प्रोटीन बनाएंगे, ये क्राय प्रोटीन किसको मारेगा, कॉटन के जो है बूल वर्म को मारता है, इसलिए इन प्रोटीन का, इन जीन्स का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉटन में करते हैं, बीटी कॉटन तैयार करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है हमारे पास क्राई फर्स्ट एबी। अब ये क्राई फर्स्ट जो एबी है ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो प्रोटीन बनाता है वो कॉर्न में जो अटैक कर रहा है, कौन, कॉर्न बोरर, उसको बेटा ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका यूज किया जाता है कॉर्न की को बीटी बनाने में, बीटी वैरायटी तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा हमारे सभी बच्चों को।
हाँ जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर निमेटोड रेजिस्टेंस इन टबैको प्लांट। तो हाँ, निमेटोड रेजिस्टेंस इन टबैको प्लांट के बारे में बात करते हैं बेटा। ये कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं जरा इसको समझिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, ये तो बात हुई कॉटन की और कॉर्न की, और आजकल कई ढेर सारी जो है बीटी वेरायटी तैयार कर दी गई है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ टबेको प्लांट के बारे में कि उसमें जो है नोमेटोड जो रेजिस्टेंसी हम डेवलप करते हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत बेटा इंटरेस्टिंग है। और कैसे इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, पहले तो यूरोपियन तंबाकू को यूज करना जानते ही नहीं थे। अब क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जब अमेरिका की डिस्कवरी की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की तो अमेरिका में वो रेड इंडियन से मिले। रेड इंडियन तंबाकू का यूज करते थे, तो उन्होंने कोलंबस साहब को तंबाकू का यूज करना सिखाया। कोलंबस साहब को बड़ा अच्छा लगा तंबाकू। जब वो वापस यूरोप गए तो अपने साथ ढेर सारा तंबाकू और तंबाकू के सीड लेके गए। उन्होंने यूरोपियंस को बताया, भाई इसको खाइए, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे यूरोपियंस तंबाकू का यूज करना चालू कर दिया। तो तंबाकू की खल जो एक्चुअली एग्रीकल्चर यूरोप में स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एक निमेटोड था, उस निमेटोड का नाम होता है बेटा मेलबडाइने इनकॉग्निशिया। और ये निमेटोड करता क्या था कि तंबाकू की रूट्स को खा जाया करता था, तंबाकू की रूट्स को बर्बाद कर देता था, जिससे कि तंबाकू का जो प्लांट है उसका ग्रोथ कम होता था और उससे पत्ते कम निकलते थे। अब पत्ते कम निकलेंगे मतलब तंबाकू का प्रोडक्शन कम होगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कोई इंसेक्ट यदि प्लांट के ऊपर की साइड में नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके ये हम इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। निमेटोड कहाँ है? रूट में। तो इन निमेटोड्स को कैसे खत्म करने का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ निमेटोड के बारे में। तो बेटा निमेटोडा, निमेटोडा को आप लोग जो है राउंड वर्म के नाम से भी जानते हो। आप जानते हो कि राउंड वर्म की मोस्ट ऑफ वैरायटी जो है पैरासाइट होती है, एंडो पैरासाइट होती है एनिमल के ऊपर और प्लांट के ऊपर। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसी तरह की बेटा हमारे राउंड वर्म की एक वैरायटी है जिसे हम बोलते हैं मेलोडाइने इनकॉग्निशिया। तो मेलोडाइने इनकॉग्निशिया आप बेटा ये जो वैरायटी है मेलोडाइनी इनकॉग्निशिया, तो इस वैरायटीज ये जो है तंबाकू की रूट्स को क्या करती है कि तंबाकू की रूट में ये निमेटोड चले जाते हैं, वहां पर नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा ये क्या करेंगे कि रूट्स के अंदर से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि प्लांट कमजोर हो जाता है। अब इससे कैसे बचाव किया जाए, इससे कैसे प्रोडक्शन किया जाए, इसके बारे में सबसे पहली बार दो साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका नाम था, एक का नाम था फायरे और दूसरे का जो नाम था वो क्या नाम था, मैरो। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये बात है करीबन 1998 के समथिंग समथिंग ये बात है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली एक डिवाइस की डिस्कवरी की थी, ये डिवाइस को बोला जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसे बेटा हम आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं आरएनएआई। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। इसे बेटा हम बोलते हैं क्या है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो ये हमारी पूरी पूरी मेथड है जिसके बारे में जो है हमारे फायरे और मेलो ने डिस्कवरी की थी। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा इसके बारे में देखिए। सॉरी,
तो देखिए बेटा, जो निमेटोड अटैक करता है, इस निमेटोड का नाम क्या है? मेरोडाइनी इनकॉग्निशिया। कहाँ अटैक कर रहा है? रूट ऑफ टबैको में अटैक कर रहा है। इससे क्या हो रहा है बेटा? इससे हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो मेथड जो इसके लिए यूज की जा रही है बेटा, वो कौन सी है? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई, इट इज आल्सो नोन एज द साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। ठीक है, अब इस मेथड में क्या किया जाता है बेटा? ये मेथड जो है एक नेचुरल मेथड है काई के लिए, जो जितने भी यूकेरियोटिक होते हैं उनकी एक बचाव करने की एक नेचुरल मेथड होती है। कौन सी? आरएनए साइलेंसिंग। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी एमआरएनए को एक्सप्रेस होने से रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? किसी भी आरएनए को, एमआरएनए को एक्सप्रेस होने से रोक दिया जाता है। ये कैसे काम करती है जरा इसकी मैकेनिज्म समझ लो। ठीक है, जरा समझो बेटा। जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, अब ये कोई सेल है और आपको पता है सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस है सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर से पता है आपको, मान लीजिए कि एमआरएनए आया और एमआरएनए आके कहाँ जाएगा बेटा? ये राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम के पास जाने के बाद बेटा ये क्या करेगा? वहां जाके जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। वहां जाके बेटा ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, कौन? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब जो हमारा मैसेंजर आरएनए किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की बना क्रिएट हुआ, यदि इस आरएनए का एक कंटेम्पररी आरएनए साइटोप्लाज्म में पहले से हो तो क्या होगा? यदि साइटोप्लाज्म में इसका कोई कंटेम्पररी, सॉरी 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 सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पहले से ही प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट होते बराबर क्या होगा यहाँ पे? आप क्या बन गया? यहां बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है राइबोसोम के पास नहीं जा सकता, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है सेल के अंदर जो हमारा आरएनए एज एंजाइम जो होता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट पीट के खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब जो भी करस्पोंड एमआरएनए है जो कि एक्सप्रेस होके क्या बना रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। यदि इसका कोई कंप्लीमेंट्री आरएनए हो तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलते बराबर डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड होकर ये राइबोसोम के पास जाकर नहीं अटैच हो सकता, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे सेल के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। समझ में आया? तो ये इस मैकेनिज्म का थ्योरी है, सिद्धांत है। अब इस मैकेनिज्म में एक्चुअली किया क्या गया जरा ये समझो। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म को समझिए। हमने क्या किया जरा देखिए, हमने ये देखा कि हमारा जो नेमेटोड कैसे काम कर रहा है, वो हमने देखा। हमने देखा कि जो निमेटोडा है ये क्या कर रहा है, ये जो है जैसे ही हमारे टबेको प्लांट के ऊपर अटैक करता है, जैसे ही ये टबेको प्लांट के अंदर अटैक करता है तो टबेको प्लांट के अंदर बेटा ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा? प्लांट सेल के अंदर बेटा ये इंट्रोड्यूस करता है क्या? हाँ जी, टबैको प्लांट के अंदर बेटा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टबैको प्लांट के अंदर बेटा ये कुछ केमिकल सब्सटेंस जाके सीक्रेट करता है प्लांट सेल के अंदर, जिससे कि प्लांट सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करेगा? एक स्पेशल टाइप का आरएनए बनाएगा, जो आरएनए क्या करेगा? रूट में नोड्यूल्स बनाएगा, रूट नोड्यूल्स तैयार करेगा। ठीक है, रूट नोड्यूल्स रूट में बनते बराबर क्या होगा? इन रूट नोड्यूल्स के अंदर हमारे निमेटोड चले जाएंगे और यहाँ पे सरवाइव करेंगे, और रूट के अंदर का जो भी पोर्शन है उसको खाते पीते रहेंगे, मजे करेंगे। ठीक, ये मैकेनिज्म है। अब हमने क्या किया देखिए, हमने क्या किया मैकेनिज्म देखिए, हमने क्या किया,
हमने जो है जो ये आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है इसका एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार किया। इसका एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार किया, इसको ब्रेक किया, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक किया, ठीक है। इस तरह से क्या किया बेटा हमने, साइलेंसिंग आरएनए तैयार किया। क्या तैयार किया बेटा हमने, साइलेंसिंग आरएनए। अब ये साइलेंसिंग आरएनए क्या होते हैं, ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं सेल के अंदर और क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं ये बनाते हैं बेटा आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ठीक है। मतलब आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जरा समझिए। हमने क्या किया, जो निमेटोड टैबेको प्लांट के अंदर जाकर जो आरएनए प्रोड्यूस करवा रहा है ना, वही टाइप का आरएनए हम डबल स्टैंडर्ड यूज किया, प्लांट सेल में डाला। प्लांट सेल में डालते बराबर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टुकड़े में ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक कर दिया, अब इन टुकड़ों के साथ क्या होता है, प्रोटीन एसोसिएट हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब हमारे सेल के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया, आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि डबल स्टैंड परसिस्ट नहीं करते, ठीक है। और जैसे ही निमेटोड ने अटैक किया, निमेटोड अपने आरएनए को जैसे ही सेल में इंसर्ट करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस आरएनए को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, मतलब ये आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। और इस तरह से निमेटोड रूट प्लांट की रूट में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो वो एमआरएनए बनाने वाला है उसका कंप्लीमेंट्री प्लांट सेल में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंस टबेको प्लांट तैयार कर लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने काफी डिटेल में समझाया, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। जरा देखिए ये रूट में देखो किस तरह के नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे ये टबेको रूट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए जो भी प्लांट सेल में जो भी एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, कौन, निमेटोड, उसका एंटीसेंस आरएनए पहले ही प्रेजेंट है। एंटीसेंस और इसका खुद का जो आरएनए वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहते ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा वो। ये समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पूजा वैष्णवी, निमेटोड रेजिस्टेंसी किस तरह से होती है ये आपको समझ में आया है क्या? नहीं आया हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको। जल्दी बताइए स्नेहा, क्लियर हुआ? ओजस, दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको। ओके बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। देखो बेटा, आप ये जानते हो ना कि डीएनए क्या बनाता है, ट्रांसलेशन के थ्रू एमआरएनए, एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन, एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। डीएनए से एमआरएनए बनना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होना,
इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये तो पता है ना आपको, ठीक। आपको ये पता है कि निमेटोडा का जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे एमआरएनए को सिक्रेट कराएगा प्लांट सेल के अंदर, जो क्या करेंगे, रूट नोड्यूल्स कॉज करेंगे, जिनमें कौन सर्वाइव करेगा, निमेटोडा। निमेटोडा उनमें सर्वाइव करेगा और उनमें रहकर जो है रूट को डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब इसका डीएनए क्या कर रहा है, एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें हमारा निमेटोडा सर्वाइव करेगा, ठीक है। और इससे क्या करता है, इस तरह से जो है ये जो निमेटोड होता है हमारे टबेको प्लांट की रूट को नुकसान पहुंचाता है। ये क्लियर समझ में आया ना, ठीक। जनरली क्या होता है यहाँ पे, देखो बेटा डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 3 डेज से 5 डेज, और दूसरा होता है 5 डेज से 3 डेज, पर एक ही स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं बनाते, मतलब इस तरह से क्या होता है कि हमारा सिंगल स्टैंडर्ड क्या बनता है, एमआरएनए तैयार होता है, ठीक है। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे कि आरएनए की कॉपी तैयार हो रही है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, और जिसकी कॉपी तैयार हो रही है उसे हम बोलते हैं उसका सेंस स्टैंड, और जिसकी कॉपी तैयार नहीं होती डीएनए के उस सेंस को अपन क्या बोलते हैं, एंटीसेंस। समझ में आया ना। तो आपको पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होती है जब डीएनए से आरएनए बनता है, तब दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं होती। हम क्या करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से कॉपी तैयार करवाएंगे, निमेटोड का जो डीएनए है ना उसके हम दोनों स्ट्रैंड से कॉपी तैयार कराएंगे। मतलब हमने क्या देखा, तो इस तरह से जो आरएनए बनेगा वो कौन सा आरएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अपन क्या करेंगे, प्लांट सेल में डाल देंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट सेल में डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, सेंस और एंटी सेंस जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब निमेटोड ने अटैक किया, अब जब ये निमेटोड ने अटैक किया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आरएनए प्रोड्यूस करेगा। कौन सा आरएनए प्रोड्यूस करेगा, निमेटोडा, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया निमेटोडा ने। तो जो आरएनए उसने प्रोड्यूस किया मैसेंजर आरएनए, उसका एंटी सेंस पहले से प्लांट सेल में प्रोड्यूस है। हमने क्या किया है, प्लांट सेल में जो निमेटोडा एमआरएनए जो तैयार करवा रहा है उस एमआरएनए का एंटीसेंस या उसका जो कंप्लीमेंट्री पहले से हमारे पास है। जरा समझिए, निमेटोडा जो आरएनए तैयार करा रहा है वो आरएनए कुछ इस तरह का है, जैसे कि ए यू यू सी जी ए, ये निमेटोडा ने जो आरएनए तैयार किया वो आरएनए हमारे पास, इसका एंटी प्लांट सेल में ऑलरेडी इसका एक एंटी सेंस है, कौन सा, यू ए ए जी सी यू, ये एंटी सेंस पहले से ही है। अब ये एंटी सेंस क्या होगा, सेंस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, और कौन सा आरएनए बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो सरवाइव नहीं करता सेल के अंदर, वो खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना बेटा। तो ये प्रोटेक्शन टेक्निक है, मतलब निमेटोडा जो आरएनए डाल रहा है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पहले से प्रेजेंट है, और जैसे ही निमेटोडा का आरएनए और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अटैच होगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए सर्वाइव ही नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो गया तो मतलब कि निमेटोडा जो आरएनए प्रोड्यूस करवा रहा है पर्टिकुलर रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो आरएनए फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, वो आरएनए साइलेंस हो गया, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस बोलते हैं बेटा, ठीक है, या इसे हम आरएनए इंटरफेरेंस।
हमने क्या किया, आरएनए के काम में टांग डाली, उसका काम नहीं करने दे रहे अपन आरएनए का, हम आरएनए के काम में इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को अपन ने क्या बोला, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कल के दिन ये लेक्चर, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम चालू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, आज के लेक्चर में इतना इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।